हे गाइस, दिस इज जुनैद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, संडे की शाम थी, हम लोग थोड़ा बाहर निकल गए, जाड़ेश्वर चौकड़ी क्रॉस हमने कर दी, तो एक नया आउटलेट दिखा है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए बना देता हूँ, मिनी व्लॉग बना देता हूँ, बहुत ही लंबा व्लॉग तो नहीं रहेगा। तो हम लोग आए हैं डोसा पैलेस में। जी हाँ दोस्तों, डोसा पैलेस, ये पैलेस कोई राजमहल नहीं है, यहाँ ये डोसा पैलेस है। एनीवेज, थोड़ा मजाक कर रहा था, तो फिर चलिए देखते हैं डोसा पैलेस कैसा है, यहाँ पे मजा आता है कि नहीं, तो फिर चलिए फिर थोड़ा रिव्यू करते हैं, देखते हैं कैसा है। बाहर से तो अच्छा दिख रहा है गाइस, अंदर जाने के पहले मुझे बाहर एक बोर्ड दिखा है, बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और विथ एसी है तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि बारिश में मक्खियां बहुत परेशान करती है, तो एसी आउटलेट रहता है तो अच्छा रहता है। हाँ, डोसा पैलेस, और इसका एड्रेस है अपोजिट टू नर्मदा कॉलेज, तवरा रोड पे, सेकंड फ्लोर पे है ये श्री जी बिजनेस हब में, और इसमें आप देख सकते हो अनलिमिटेड डोसा 179, लेकिन इसमें तीन ही डोसा है, मसाला डोसा, मैसूर डोसा और पेपर डोसा, और दूसरा है यहाँ पे उत्तपम, भाजी पाव और वेज पुलाव। तो फिर चलिए एंटर करते हैं, देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा एम्बियंस, बहुत ही अच्छा आउटलेट लग रहा है। इट लुक्स ग्रेट। और हमारे ओपाल के एक दोस्त भी मिल गए हैं हमको यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा मिस्टर तिवारी और उनकी फैमिली। हेलो ऑल ऑफ यू, ये हमारे मित्र कर्णेश कुमार। ओह हाय, हाउ आर यू? उज्जैन से? अच्छा अच्छा अच्छा, तो तिवारी जी आप यहाँ पे आए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा। आप यहाँ पे खा रहे हो, तो आपने क्या क्या खाया है यहाँ पे? हम लोगों ने यहाँ पे ये चिल्ड्रन चीज डोसा है, और मसाला पाव खाया है, और एक चाइनीज डोसा खाया है, और एक और क्या खाया, पिज्जा डोसा खाया है। तो फिर आपको कैसा लगा यहाँ पे, कैसा टेस्ट है? बहुत बढ़िया, चारों जो चीज़ हमने ट्राई करी है चारों बहुत बढ़िया थी, और अलग टेस्ट है, मतलब अच्छा लगा। तो आप इसको मतलब रिफर कर सकते हो अपने फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, दोस्तों, आने जैसी जगह है? आने जैसी जगह है, विद फैमिली यहाँ पे आ सकते हैं, फैमिली आ सकते हैं, एनवायरनमेंट बिल्कुल फैमिली के हिसाब का है, कोई भी ऐसा गलत नहीं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, बढ़िया आ सकते हैं। और सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत मस्त है, यहाँ का टेस्ट साउथ इंडियन टेस्ट काफी अच्छा है, बच्चों के हिसाब से भी बहुत अच्छा डोसा है। और मतलब यू कैन रेफर, यहाँ पे आप आ सकते हो, राइट? यू वी विल रेफर फॉर दिस। ओके भाभी जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? तो यहाँ पे आ सकते हो आप, अच्छा टेस्ट लगा आपको? अच्छा टेस्ट है। कुछ अच्छा, बहुत ही फेवरेट आइटम या बहुत ही अच्छी कुछ आइटम आप बता सकते हो? चाइनीज डोसा अच्छा, ज्यादा अच्छा चाइनीज डोसा। चलिए तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रिव्यू करा, सो थैंक यू सो मच। तो बहुत ही अच्छा आउटलेट है, हमने भी ऑर्डर किया है, और हाँ हमारा ऑर्डर आ चुका है, तो फिर मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। व्यू तो आपको ऑलरेडी मिल ही गए हैं, और ये लुक अराउंड देख लीजिए आप, और डोसे दिखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कौन सा डोसा आया है? अच्छा बटर पेपर डोसा आ गया है, और ये वाला कौन सा है? क्रिस्पी। अच्छा ये क्रिस्पी है, क्रिस्पी पेपर, और ये है बटर पेपर, जो मैंने सॉफ्ट बोला था, मैंने पहले भी आपको बताया था मुझे सॉफ्ट पसंद है, तो ये सॉफ्ट वाला है। तो फिर चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं, बताते हैं आपको। दोस्तों बातों बातों में मैं आपको मेनू बताना तो भूल ही गया, तो चलो वो देख लेते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो गाइस ये है डोसा पैलेस का मेनू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसा आप देख सकते हो, पेपर डोसा, अलग अलग टाइप के, चॉकलेट पेपर, चीज पेपर, कुछ नए नाम यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, स्पेशल फैंसी डोसा, फैंसी डोसा का आपने अन्ना सुरती का आपने वीडियो देख सकते हो, उसी टाइप के सब रहते हैं पीसीस में। फिर है मसाला डोसा, मैसूर डोसा, स्पेशल वेराइटी मैसूर, और फिर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पे पाव भाजी भी खा सकते हो, उत्तपम खा सकते हो, तो ये
अच्छी चीज़ है। पुलाव भी आप खा सकते हो एंड ऑफ कोर्स कोल्ड ड्रिंक्स, शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा सा मेनू। तो दोस्तों चलिए फिर टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा है, दिख भी अच्छा रहा है और सॉफ्ट भी है और मजा आ रहा है खाने में। सांभार भी अच्छा है, ये कुछ साथ में सब्जी जैसे दिया है, जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बिलीव मी। तो गाइस ये अब आ गया है मसाला डोसा। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था, पहले जो पेपर डोसा था वो सादा पेपर मसाला सादा डोसा था और उसके साथ ये जो भाजी आती है इसको ये लोग मैसूर बोलते हैं, तो वो मेरा हो गया मैसूर डोसा और ये मेरा हो गया मसाला डोसा। हाँ ये वाला जो डोसा है ये पेपर डोसा है, दिस इज कॉल्ड द पेपर डोसा, और इसके साथ अगर आप ये भाजी साथ में जो आती है तो उसको ये लोग बोलते हैं मैसूर डोसा, और ये हो गया मसाला डोसा, राइट। हे गाइस, तो हमारा डिनर यहाँ पे ख़त्म हुआ है डोसा पैलेस में, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। हम लोगों ने अनलिमिटेड वाला खाया था जो यहाँ पे बोर्ड में लगाया हुआ है, जो आगे आपने देखा। आप सेपरेट भी ले सकते हो, भाजी पाव भी ले सकते हो, पुलाव भी ले सकते हो, लेकिन ये अनलिमिटेड वाला मुझे अच्छा लगा कि अगर आपको पसंद आया है तो लाइक पिज़्ज़ा में अनलिमिटेड आता है तो आप डोसा में भी अनलिमिटेड चालू हो गया है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी मंगा सकते हो मेनू में से। मुझे तो यहाँ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया, तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ यहाँ पर विजिट कर सकते हो, आ सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।